हाय गाइस, यू आर ऑन इस्माइल आईएस यूट्यूब चैनल। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 8th लेक्चर ऑफ टेक्नोमेट्री। ओके, टेक्नोमेट्री एप्टीट्यूड। आवर टैग लाइन इज वीर भोगी वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। ओके, दिस इज 8th लेक्चर। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल एन। ओके, सो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या है। ओके, सो व्हाट वी डिड इज हियर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी। ओके, इफ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एंड सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। ओके, सो स्क्वायर का फार्मूला क्या है, आपको पहले से पता है, होल स्क्वायर का। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये भी आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, दिस इज एंड वी अप्लाई ऑन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, पहले इक्वेशन का स्क्वायर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि पहला प्लस वाला है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल एम स्क्वायर। अब हम दूसरे वाला का भी कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल एन स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, यहां पे आप निगेटिव है, यहां पॉजिटिव थे, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हम इसको सारे को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आफ्टर स्क्वायर। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया दोनों, अब बचा क्या, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इक्वल इधर आ जाएगा, यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, और इसका भी वन होता है, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, तो टू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट। ओके, ओके, ऐसे कर लिए, उसके बाद ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगर वैसे टाइप का इक्वेशन आता है तो वो हमें याद रखना है। ओके, हम अभी इक्वेशन भी करेंगे तो इसको आप क्वेश्चन में बेटर समझ पाओगे।
सॉरी थोड़ा ग्लिचे जा रहा है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ओके ये स्क्वायर है, ओके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। और अगर जैसे m अपॉन n पूछ ले तो क्या करोगे, जैसे m अपॉन n, m अपॉन n क्या होगा, क्या होगा? अब m अपॉन n दिया m यहाँ है तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, m स्क्वायर पहले से है और उसको हम n स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ आ गया प्लस एन स्क्वायर, यहाँ यहाँ नीचे भी होगा तो यहाँ वन हो जाएगा इक्वल यहाँ पे टू है, ओके। तो अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इधर ही रह जाएगा इक्वल टू इधर है और ये एन स्क्वायर जो है हम इसको नीचे यहाँ ले आ देंगे टू के नीचे तो एन स्क्वायर, और जो यहाँ प्लस वन है तो ये क्या इधर आ जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, इसको हम और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा टू माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो अब हमें एम बाई एम तो यहाँ क्या करेंगे दोनों को ऊपर रूट है तो इधर स्क्वायर लेते आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये आ जाएगा, ओके। सो एम अपॉन एन इक्वल, ओके। सो हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली हुआ है अभी तक, ओके। सो क्वेश्चन हियर इज, क्वेश्चन इधर हो गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 7/5, ओके। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल एन, ओके। एंड ये क्या यहाँ पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एन को क्या होगा, एन का आंसर क्या होगा, आंसर एन का क्या होगा यहाँ एन के स्थान पे। तो हमने अभी फार्मूला सीखा है, क्या सीखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, एम क्या है यहाँ पे 7/5 है तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 स्क्वायर 25 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या करेंगे एन स्क्वायर इधर हो गया एंड इधर आ गया ये और 25 इंटू टू कितना हो गया 50, सॉरी 50 50 माइनस 49 अपॉन 25, ओके। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 1/25। अब दिस 5 तो क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/25 है तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि रूट की वजह से तो ये 5 हो गया। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ एन, एन इज 1/5, ओके दिस इज द आंसर। सो इसी हिसाब अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे ही इसका सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 7/13। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एन, सो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ओके। ये आप देखोगे यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव ये कोई दिक्कत नहीं, ओके यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा,
चीजें तो वैसी हो रही है, ठीक है। आप इसको अगर जैसे उस हिसाब से आप मानोगे तो इसको एन भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, या एम भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फार्मूला क्या अप्लाई करना है, एम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। तो एम क्या है, एम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ 7/13 है, 7 मीन्स 49 यहाँ स्क्वायर हो गया, 13 169। आपको स्क्वायर जो है कम से कम 25 तक तो ऐसे आपको याद होना चाहिए अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आपको अप टू 100 आपको बहुत फास्ट सॉल्व करना, जैसे बहुत फास्ट आपको स्क्वायर तुरंत आप निकाल सको विद इन अ 2 to 5 सेकेंड। ओके, तभी ये फास्ट हो पाएगा। ओके, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। ओके, अब क्या करेंगे, इसको एन इधर कर देंगे, एन स्क्वायर तो ये इधर आ गया, वो ये इधर आ गया, तो हो गया 169 इंटू टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 8 हो जाएगा। ओके, माइनस 49 अपॉन 169। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 289। ओके, अपॉन 169। अब ये स्क्वायर जो है तो अब इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 1289 किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, एंड 169 13। सो एन का आंसर क्या हो जाएगा, एन का आंसर हो जाएगा 17/13। सो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 31/25। ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल एन। ओके, अब ये पूछ रहा है एन का वैल्यू क्या होगा, उसी सेम फार्मूला लगाना है हमें, क्या लगाना है, जब ऐसा होगा तभी हम फार्मूला लगाएंगे। ओके, ये जैसे यहाँ पे कॉस के स्थान पे 2 आ गया, यहाँ कोई वैल्यू वैल्यू है तब हम नहीं लगाएंगे फार्मूला। ओके, जब इसी फॉर्म में रहेगा तभी हम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। तो हम एम क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया 13 अपॉन 25 स्क्वायर हो गया, प्लस एन स्क्वायर इक्वल 2 हो गया। ओके, सो 13 का स्क्वायर क्या होगा, या तो आप ऐसे से गुणा कर लो, अगर याद है तो ज्यादा ज्यादा ही बेटर है, ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये आ जाएगा 961। ओके, जैसे आप यहां से करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 9। ओके, ये 30 एंड 61 ही हो गया यहाँ पे, 369। ओके, दिस इज द, आप इसको ऐसे कर सकते हो, फास्ट ही करना है जब भी करना है। ओके, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। ओके, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको इधर चला जाएगा तो 6 × 12 1250 हो जाएगा इधर, तो एन स्क्वायर इक्वल 1250 माइनस 961 अपॉन 625।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1250 को, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, 10 में से बन गया 9, 9 हो गया, एंड 6 और 14 तो कितना आ जाएगा 8, और ये बचा 9 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 11 हो गया, तो यहाँ 9 2 आ जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा 6 2 5, ओके। अब n का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, n का वैल्यू आ गया स्क्वायर, इधर रूट चला जाएगा, तो ये 289 क्या होता है 17 का होता है, और 6 2 5 8 25 हो गया, तो आंसर n का क्या आ गया, n का आंसर आ गया 17/25, ओके। और जैसे आप और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन ये हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 23/17, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल एन, तो एन का वैल्यू पूछा है क्या होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सेम फार्मूला लगा दें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो गया, तो 17 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 का स्क्वायर आप करोगे ये होगा 529, ओके, आपको 25 तक स्क्वायर याद करना ही है, और 17 का क्या हो जाएगा 2289, ओके, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो ये एन स्क्वायर इधर हो गया, इधर ये चला आया, तो क्या हो जाएगा 2578, ओके, माइनस 529 अपॉन 289, ओके, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके, 49 अपॉन 289, तो n का वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो रूट में आ गया, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 289 में 17 हो जाएगा, तो 7/17 आ गया आंसर, ओके, n का आंसर आ गया 7/17, ओके। सो ऐसे आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देख लेते हैं, जैसे आ गया क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल रूट टू साइन थीटा। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल एन, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एन का वैल्यू पूछा है ओवरऑल, तो एन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये सेम फार्मूला लगा लेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो एम यहाँ पे कितना है, रूट टू साइन साइन थीटा है, तो यहाँ पे रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो ये एन स्क्वायर, और ये इधर चला आया, तो ये टू कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके,
ये आ गया ओके। तो अभी एन का वैल्यू क्या आ गया, ये टू हो गया, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ओके। और ये स्क्वायर जो था इधर ये स्क्वायर है, तब ये रूट में आएगा, एन का क्या वैल्यू आ जाएगा रूट टू कॉस थीटा आ गया। क्या आ गया एन का वैल्यू रूट टू कॉस थीटा ओके। सो आप ऐसे ही इसको, ऐसे प्रॉब्लमों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, आप इस तरह से आपको प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके आज के लिए इतना ही। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।